मैं लोकेश बात्रा, फैकल्टी मेंबर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा से। आज लेके आया हूँ मैं सब्जेक्ट CE 306 इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में है। इसमें अपन चैप्टर 13 में कूप सिंचाई वेल इरिगेशन में पढ़ेंगे, टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेनर ट्यूबवेल। स्ट्रेनर ट्यूबवेल को हिंदी में बोलते हैं अपन चलनी नलकूप। चलनी नलकूप में होता यह है कि इसमें जब अपन नीचे ज़मीन में बोर करते हैं तो बोर करने के लिए मशीन नहीं होती, पुली होती है, जो कि पहले के टाइम में चलती थी। पुली मशीनें नहीं थी तब, अपन बोर करते थे नीचे ज़मीन में तो पुली चलती थी, पुली से बोर करते थे। तो इसमें होता क्या है, अपन ने जब पुली से बोर कर दिया, बोर करने के बाद अपन इस बोर में ये कैसिंग पाइप डालेंगे। ये अपना कैसिंग पाइप है, ये अपना कैसिंग पाइप। कैसिंग पाइप डालने के बाद कैसिंग पाइप में अपन बेलर डालेंगे। बेलर से मतलब ये है कि कैसिंग पाइप में पानी को पंप करके बाहर निकालने का साधन, उसको बेलर कहते हैं। जैसे अपने घर पर नलकूप होते हैं तो अपन कैसिंग पाइप में प्लास्टिक का पाइप या लोहे का पाइप डालकर पानी को मोटर या हैंड पंप से बाहर निकालते हैं, वैसे ही उस चीज़ को अपन बेलर बोलते हैं। आगे चलते हैं इसमें, इस बोर की डेप्थ अपन 150 मीटर रखते हैं लगभग, मतलब ये है कि इसकी डेप्थ अधिक होती है, गहराई अधिक होती है। तो इसमें होता यह है कि जो इसका बेलर है ये, इसमें यहाँ पर ये जाली लगी हुई है, ये जाली लगी हुई है। ये जलधारी परत है, मतलब जहाँ से अपन को नीचे ज़मीन से जल मिल रहा है, ये जल है जल। तो ये जल जो है इस बेलर में, ये जाली लगी है इसमें, ये जल छन छन के अंदर जाएगा इसमें, मतलब प्यूरीफायर होकरने से मतलब है इसमें सिल्ट, रेत और सोइल के टुकड़े नहीं जा पाएंगे इसमें। इसमें सिल्ट, रेत और मिट्टी के कण नहीं जा पाएंगे। मिट्टी के कण नहीं जा पाएंगे तो पानी का वेग जो है एक मान्य वेग होगा, और इस तरह से पानी पंप करके अपन बाहर निकालेंगे। ये होता है अपना स्ट्रेनर ट्यूबवेल। इसके बाद अपन चलते हैं, इसमें दूसरा टॉपिक है कैविटी ट्यूबवेल, जिसको अपन बोलते हैं गुही का नलकूप। गुही का नलकूप, अब देखो गुही का नलकूप में ये होता है कि ये अपनी जलधारी परत है, यानी एक्वीफर, ये जलधारी परत है। इसमें भी वही है, वही अपन कैसिंग पाइप डालेंगे, ये अपना कैसिंग पाइप। पर इसमें होता है कि इसकी जो डेप्थ है वो कम होती है, 20 मीटर इसकी अपन डेप्थ रखते हैं इस बोर की, और जो है इसमें जल प्रथम जलधारी परत से प्राप्त होता है, ये जल प्रथम जलधारी परत से प्राप्त होगा। जिस बोर में प्रथम जलधारी परत से जल प्राप्त होगा तो उसमें मिट्टी के कण, सोइल
रेत के कण और सिल्ट आदि आएगी, तो इसके कारण जो है पानी का वेग मान्य वेग नहीं होएगा। दूसरी बात इसमें होता है कि इसकी डेप्थ कम रहेगी, डेप्थ कम रहेगी तो वाटर लेवल भी कम रहेगी, मतलब पानी कम रहेगा। तो ये अपना बीच में इसमें बेलर है, बेलर से मतलब ये है कैसिंग पाइप के अंदर भी अपन एक पाइप डालते हैं जिससे पानी पंप होके ऊपर आता है, तो ये अपना बेलर है। तो जैसे ही अपन ने इसमें कोई सबमर्सिबल पंप लगाया, कोई इंजन लगाया पानी को बाहर निकालने का, तो इसमें पानी तो कम है ही सही, तो उस पंप या सबमर्सिबल मोटर के प्रेशर से जो है ये ज़मीन है इसमें जो है एक गूही का टाइप बन जाएगी ऐसी, क्योंकि गीली मिट्टी है इस जगह पे, पानी तो कम है, पानी कम है तो यहाँ पे गीली मिट्टी रहेगी, गीली मिट्टी है तो जैसे प्रेशर इस पे से पड़ेगा तो ये अंदर धंसेगी, अंदर धंसेगी तो ऐसे ये आकार ले लेगी। इसी आकार को अपन क्या बोलते हैं, कैविटी, और ये अपना क्या है, कैविटी ट्यूब है। तो थैंक यू, आशा करता हूँ कि जो स्टैंडर्ड ट्यूबवेल और कैविटी ट्यूबवेल बताएं जो समझ में आ गए होंगे, कल फिर लेके आऊँगा मैं। थैंक यू।